નાયલોન સ્પિન્સ એસોસિએશન દ્વારા ભારતીય નાયલોન ફિનામેન્ટ યાર્ડ ઉદ્યોગ ઘણા સમયથી પીડાઈ રહ્યો છે અને સસ્તા યાર્નના આક્રમણને કારણે અને ચીન તરફથી આવતી મુશ્કેલીઓ ધ્યાન પર લેવા માટે સિટીલાઇટના અગ્રેસન ભવનમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. दोस्तों आज की प्रेस मीटिंग हमको रात तक बुलानी पड़ी, कई दिनों से देना अथवा उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमने यह आज प्रेस मीट रखी है. मैं आपको अपने और मित्रों से भी मिला देता हूँ. राकेश चौधरी उपाध्यक्ष रालो स्पिनर्स एसोसिएशन, संजय भाई मल्होत्रा सेक्रेटरी रालो स्पिनर्स एसोसिएशन, विनय अग्रवाल ट्रेजरर नायलॉन स्पिनर्स एसोसिएशन और बाकी जो बैठे हैं वो भी हमारे सब स्पिनर्स भाई हैं अलग अलग कंपनीज से. हम अपनी सब अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं और एसोसिएशन में पदभार हम चार ने ले रखा है, इसलिए मैंने चार का इंट्रोडक्शन दिया. बाकी स्पिनिंग कंपनीज यहाँ पे करीब 11-12 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए हैं. मैं राकेश चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के विषय में जो ब्रीफिंग है वो ब्रीफिंग आप लोगों को दें. थैंक यू नान भाई, आज की हमारी बुलाई गई प्रेस मीट में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं. जैसे कि उन्होंने बताया, हम पूरे भारत के अली सूरत के पूरे इंडिया के नायलॉन स्पिनर्स इंडस्ट्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. करीबन 17 से 18 स्पिनर्स हैं, सो मोस्टली हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे देश का नायलॉन यार्न इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पिछले कई सालों से, हिंदी में प्रताड़ित वर्ड यूज करूं या गुजराती में बैंड वागी गई है, सो बहुत सफर कर रहा है. आज हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज कोई भी किसी को भी दुख होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ही कि मेरा दुख दर्द दूर करो. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा कोर जिसको दुख जो है वो है सस्ता इंपोर्ट. हमारा मेन फोकस, हमारी मेन प्रॉब्लम जो है वो सस्ता इंपोर्ट मेनली चाइना से आज करने. आपको मैं बताऊं, 2016 में चाइना से 23 टन पर मंथ का इंपोर्ट होता था 2016 में, जस्ट 3 साल. 3 साल में वो 23 टन बढ़ के 1250 टन हो गया. मतलब कहां 23 जो 2016 में था, अभी 1250 टन हुआ. सो परसेंटेज कम इंक्रीज का देखे तो ये पर मंथ का है, 5180% का इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. मतलब हमारे देश को विदेशी कंपनियां ने एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा. जैसे कि अपने सूरत का वेस्ट डंप होता है ना, वैसे पर्टिकुलरली मैं मेरी कॉमोडिटी की बात करूंगा, नायलॉन यार्न को इंडिया में सिर्फ डंप किया जाता है. अब डंप भी कैसा, आज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो तो अलग बात है. डंप ऐसा होता है कि सब स्टैंडर्ड नायलॉन यार्न भी लाया जाता है और सब स्टैंडर्ड नायलॉन यार्न के देश में स्टैंडर्ड यार्न भी लाया जाता है. आप मेरी बात समझ रहे हैं, सब स्टैंडर्ड तो आता ही है और कई बार सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर होता है, आता है अच्छा. तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री की अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया.
तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DGTR डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट उन्होंने किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको अगर चीपर इंपोर्ट से अगर हार्मफुल होता है तो उसमें अप्लाई करने से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन, भाई साहब IAS के एग्जाम से भी कठिन इनका इन्वेस्टिगेशन होता है, दे वेरीफाई जो भी यूनिट अप्लाई करता है उनका पूरा फाइनेंशियल सिंस लास्ट 3 ईयर्स अफेक्टेड जो आप लिखते हो पूरा वो करते हैं, पूरा एनालिसिस, फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब पूरी टीम आती है। मैं वन ऑफ द एप्लीकेंट, मेरे वहाँ नारायण भाई के वहाँ, सेंचुरियन का मेहरोत्रा जी के वहाँ, हम तीनों के वहाँ, मतलब हफ्ता हफ्ता भर बैठ के पूरा का पूरा प्रोसेस वेरिफिकेशन से लेके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। इतना सब होने के बाद पूरा ड्यू डिलीजेंस होता है DGTR ऑफिस, उसके बाद प्लस कस्टम से भी वो, आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, इंपोर्ट कस्टम से आप भी मंगवा सकते हो, एजेंसियां भी कई हैं उनसे मंगवा के वो इंपोर्ट वेरिफिकेशन भी करते हैं। कोई भी रिपोर्टिंग हमने बिना तथ्य के नहीं किया, उसमें फिर पर्सनल हियरिंग होती है जब ये सारा काम हो जाता है, उसमें जितने भी अफेक्टेड पार्टी, ओवरसीज सप्लायर जो माल भेजता है चाइना से, यूरोप से, जो भी, प्लस हमारे और कहने वाले दूसरे हैं और इंपोर्ट की लॉबी एक दूसरी है जो पूरा मामला उन्हीं का चलाया हुआ है, वो भी सारे आते हैं और वहां अक्रॉस द टेबल सारे आर्गुमेंट्स अपने अपने पॉइंट रखते हैं। उसके बाद DGTR ऑफिस, उनके ऑफिशियल्स और DGTR खुद, अभी मिस्टर भल्ला इज एन IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर, वो फिर सारा डिसाइड करके वो इंजरी हो रही है या नहीं हो रही है लोकल इंडस्ट्री को इंजरी। सपोज मेरा अगर एक्स वैल्यू से होना चाहिए, उसकी जगह पे अगर मुझे कंपल्सरीली मैं मजबूर हो गया हूँ कि एक्स माइनस 10 या एक्स माइनस उससे बेचना पड़ रहा है, तो ये जो इंपोर्ट की वजह से जो इंजरी हुई है वो इंजरी वो डिराइव करते हैं और अपना डिस्क्लोजर देते हैं कि हाँ भाई हमने जितने भी 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये हमारा कंक्लूजन है। उसके में भी अगर आप कोई सामने इफेक्टेड पार्टी अपोज करती या कोई भी देती है तो उसका भी निराकरण करने के बाद फाइनल फाइंडिंग DGTR देता है, यस इसमें इतना इंजरी हुई है, इतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, दिस इज द प्रोसीजर। तो हमारा जितना भी हमने जो कहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कहा है, मेरी बैलेंस शीट मेरी है, ऑडिटेड है, मेरे वहां आके उन्होंने प्रोसेस वेरीफाई किया है, सब कुछ उन्होंने किया है, एवरीथिंग, इंपोर्ट के डेटा हमारे पास है, कौन किस भाव से देखता है वो भी हमारे पास है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा हो रखा है कि इंपोर्टर्स लॉबी जो है उनके अस्तित्व पे प्रश्न उठ जाता है अगर एंटी डंपिंग एक्ट पर, और इंपोर्टर्स आज जो भी है 6, 7, 10 जो भी है उनका तो 5-10 के स्टाफ से वो इंपोर्ट करके खाली वो व्यूअर्स को माल बेच देते हैं। हम एवरेज 400 आदमी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो हमारा तो बहुत बड़ा स्टेक है सर। आज एक एक यूनिट 250 से 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे स्पिनिंग चालू होती है तो स्टेक बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली हम DGTR में जाएंगे, हम गए और उन्होंने डिस्क्लोजर, ये 4 फरवरी को उन्होंने डिस्क्लोजर निकाला और डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने जो कहा, सूरत के कई माने हुए सोकॉल्ड नेता हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने उनका भी वर्जन दिया हुआ है, लेकिन उनका कोई भी वर्जन
बैक्ड बाय प्रूफ कुछ भी नहीं था और हमारा सारा ओपन है, सब कुछ दिया हुआ. सो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भाई वाकई में इनको इंजरी हो रही है एंड दे डिजर्व द एंटी डंपिंग. कितना और ये सब तो बाद में आता है, वो फाइनल फाइनिंग में. तो अभी का स्टेज में यहाँ आया, जैसा वो हुआ डिस्क्लोजर निकला, आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के अखबार में ही आया, हमारा तो पहली बार, हमने तो हम तो मजबूरी में ये हमें आपके सामने आना पड़ा, नहीं तो हम तो ये सब में बिलीव नहीं करते. लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा, एक सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा चला जिसमें कि कितने अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, स्क्रैप में चले जाएंगे, वीविंग इंडस्ट्री की 12 बज जाएगी, तो ये सारे अगेन विदाउट एनी बैकिंग, कोई डेटा नहीं है, खाली एक भ्रम की स्थिति पैदा कर. किस तरह की डिमांड है वो बताइए. मेरा नाम राकेश चौधरी है, मैं नायलॉन स्पिनर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और हमारी डिमांड के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आयोजित की. ये जो पिछले कुछ दिनों से जो कुछ इम्पोर्टर लॉबीज ने, जो नायलॉन यार्न इम्पोर्ट करते हैं, उन्होंने जो अखबार के माध्यम से जो एक भ्रम फैला के रखा है, जिसकी वजह से हमारे इनोसेंट वीवर भाई सफर कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम विलन, उन्होंने हमें विलन चित्रित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी. तो वो सारी चीज़ें हम क्लेरिफाई करने के लिए आज आप लोगों को हमने इन्वाइट किया. और एंटी डंपिंग ड्यूटी, हमारी मांग जो है कि जो सस्ता यार्न चाइना से और दूसरी कंट्रीज से आ रहा है, उसके सामने हमें प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए हमने गवर्नमेंट में प्रोविजन है कि प्रोटेक्शन के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लगा सकते हो, उसके लिए हमने अप्लाई किया है. अप्लाई करना, आज डेमोक्रेटिक कंट्री में अप्लाई करना तो कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन करके नक्की करती है कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो हमने वो किया है. लेकिन उसको इन लोगों ने ट्विस्ट करके गलत फिगर विदाउट एनी प्रूफ देके जो गजवात चल रही है उसको नलीफाई करने के लिए, उसको प्रॉपरली फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस. किस तरह का एलिगेशन किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्शन? हमने आपको वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है, शॉर्ट में जैसे वो कहते हैं कि भाई 1.5 लाख आदमी एंटी डंपिंग लगे तो वीविंग इंडस्ट्री में बेकार हो जाएंगे. आज वीविंग इंडस्ट्री में 6,000 से ज्यादा नायलॉन वीविंग सेक्टर में इंपोर्टेड में 6,000 से ज्यादा कारीगरी नहीं है, तो 1.5 लाख का फिगर कहाँ से लाया? उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, लेकिन वो बस ठीक है कह दिया. ऐसे तो आजकल कई कई लोग बोल देते हैं ना, हवा में गोली बार कर देते, देखी जाएगी, वो तो हम पे यार लगता है. और दूसरा वो कहते हैं कि 100 रुपया बढ़ा दिया 13 साल में. मैं कल ही एंटी डंपिंग की एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूंगा अगर वो प्रूव कर दे के मैंने, क्योंकि मैंने आई एम द एप्लीकेंट, तो मैंने अगर 100 रुपया बढ़ाया है तो मैं कल ही एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता. झूठ है, टोटली झूठ. फिर कहते हैं कि 1-1.5 लाख लूम्स पिछले 2 साल में स्क्रैप में गया. ये हमारे एक बहुत बड़े नेता ने ये नॉट ओनली अखबार में स्टेटमेंट दिया है, वो वहाँ हियरिंग में भी ये बोले. और क्या बोले कि पिछले 2 साल में ये हुआ है. मैडम पिछले 2 साल में एंटी डंपिंग था ही नहीं, ये वो पीरियड में स्क्रैप में गया है जब एंटी डंपिंग थी नहीं. एंटी डंपिंग जब थी तब तो कोई स्क्रैप में नहीं गया. और फैक्ट ये है, ये कोई स्क्रैप मैप, ये तो उपजाया हुआ. वो क्या है कि टफ की वजह से जो पुराने अपने मॉडर्नाइजेशन करते हैं, वो सब मॉडर्नाइजेशन किया तो ऑब्वियसली वो स्क्रैप में जाएगा ना, ओएलएस में बिक्री थोड़ी करेंगे. पर सर रीजन क्या है, ये जो आप बता रहे कि आंकड़े गलत हैं? अरे मैं बताता हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी तो इम्पोर्ट बंद हो जाएगा. इम्पोर्ट बंद हो जाएगा तो जो इम्पोर्ट का कार्टेल चल रहा है वो हम पे कार्टेलिंग का कर रहे हैं, हम उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं. इम्पोर्ट का कार्टेल जो खुद ही भाव नक्की करता है, उनका तो रोजी रोटी का होता है ना, वो भी छटपटा रहे हैं. तो उन्होंने कुछ एक 4-5 आदमियों की मदद से व्यूअरों का नाम दे के हम पे इल्जाम लगाना शुरू. इसमें व्यूअर इज अगेन आई रिपीट, व्यूअर भाई मेरा बिजनेस पार्टनर है और टोटल इनोसेंट है.
वो बेचारा भोला है, उसको तो किसी ने बोल दिया, समझ लिया बात ये चल। मतलब व्यूअर को तो पता ही नहीं है एंटी डंपिंग, आज किसी को पूछोगे ना एंटी डंपिंग। व्यूअर एसोसिएशन से क्या है? मेरी बात सुनिए, 16 एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव एक ही आदमी है जो वहाँ हियरिंग में आए थे। देखिए हम नाम क्या बताएं, बाकी मेरे मित्र सब वो भाई साहब का नाम जानते हैं, 16 एसोसिएशन का उसने बोला। मैं चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वेट रोड को करता हूँ, मैं सलाबतपुरा को करता हूँ, मैं ये पुरा को करता हूँ। ये इसका हम जवाब देना भी उचित नहीं समझते ऐसे आदमी को।